SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। कोरोना वायरस महासंकट से बेहाल चल रहे पाकिस्तान में इमरान खान सरकार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है और IMF से लेकर विदेशों में बसे पाकिस्तानियों से मदद की गुहार लगा रही है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर 15 रुपए और डीजल की कीमतों पर 27 रुपए की भारी कटौती की है। इमरान सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब कोरोना महामारी से बेहाल और माना जा रहा है कि आवाम का गुस्सा कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया है कि दुनिया में तेल की कीमतों की भारी गिरावट के बाद भी कमाई के चक्कर में दाम कम नहीं करने वाले इमरान खान नियाजी ने अचानक पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में बुधवार को 1 लीटर पेट्रोल 80 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के तेल और गैस नियामक प्राधिकरण ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कमी करने का सुझाव दिया था। प्राधिकरण के सुझाव पर इमरान खान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपए की कमी की है। प्राधिकरण ने दुनिया में तेल की गिरी कीमतों को देखते हुए करीब 20 रुपए की कमी का सुझाव दिया था। प्राधिकरण ने डीजल की कीमतों में भी करीब 34 रुपए और केरोसिन की कीमतों में 44 रुपए की कमी का सुझाव दिया था। 27 रुपए की कमी के बाद अब पाकिस्तान में 1 लीटर डीजल की गिरकर 80 रुपए हो गई है। पाकिस्तान में इस समय डीजल की कीमत 107 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई थी। पाकिस्तान में इस समय केरोसिन की कीमत 77 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर काफी टैक्स, भीषण आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने खजाना भरने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर काफी टैक्स लगा रखा है। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल की खपत काफी गिर गई है, जिससे सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है। इसी को देखते हुए सरकार दामों में कमी नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। माना जा रहा है कि इमरान सरकार ने कोरोना संकट को संभालने में फेल रहने के बाद आवाम का गुस्सा कम करने के लिए यह कदम उठाया है। पाकिस्तान में कोरोना के 22,000 मामले सामने आए हैं और अब तक 514 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक मदद के लिए IMF और विश्व बैंक से कर्जा मांगा है। यही नहीं, उसने अपने आका चीन से भी कर्ज के बयान में राहत देने की अपील की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखेंगे, डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं, इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे अब इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबके आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।